नमस्कार दोस्तों, वर्धमान जनरेटर चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं लेके आया 25 किलोवाट का महिंद्रा का साइलेंट डीजल जनरेटर सेट, जो कि पूरी तरीके से हम लोगों ने अपनी कंपनी में रिकंडीशन किया है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा जैन सेट रेडी हो चुका है। ये इसका कंट्रोल पैनल है, जो कि पूरा जेनुअन हम लोगों ने रेडी किया है कंपनी के अंदर। ये इसमें हमने एक सेफ्टी यूनिट लगाया हुआ है महिंद्रा का ओरिजिनल, जो कि सारी चीज़ें बताएगा। एक एम्पियर मीटर है, ये कार मीटर है, एक चाबी स्विच है जिससे जनरेटर ऑन भी होगा और ऑफ भी होगा। ये पूरा जेन सेट रिकंडीशन किया है हम लोगों ने अपनी कंपनी के अंदर, और बहुत शानदार जेन सेट है दोस्तों। ये महिंद्रा का 4 सिलेंडर का इंजन है, ये 4375 GM मॉडल है। ये 37 BHP का इंजन होता है दोस्तों ये, और ये बहुत बेहतरीन इंजन है। इसकी क्वालिटी का कोई जवाब ही नहीं, 100% लोड पर जेन सेट चल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। अभी मैं लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ आपको। इसका पूरा हम लोगों ने एक नंबर का काम किया है। फेनर की ओरिजिनल नई बेड लगाई है, देख सकते हैं। EPDM के हॉस पाइप लगाए हैं, रेडिएटर जेनुअन लगा हुआ है, इसकी पूरी सफाई कराई है हम लोगों ने, और ये हॉस पाइप वगैरह सब नए लगाते हैं हम लोगों ने। नया इसमें ऑयल सेफ्टी सेंसर लगाया हुआ है हम लोगों ने, ये एलोफिक का ऑयल फिल्टर लगाया दोस्तों, और ये इसकी पूरी वायरिंग हम लोगों ने नंबर एक की करी हुई है। सारे नट बोल्ट वगैरह सब नए लगे हैं। पूरा इंजन का ओवरऑलिंग का काम किया, लाइनर हो गए, पिस्टन हो गए, हेड का काम हो गया, पंप नोजल का काम हो गया, सारा एक नंबर का काम किया दोस्तों। पूरा जेनुअन एयर फिल्टर भी ब्रांड न्यू लगाया हम लोगों ने इसके अंदर। इसमें लेरॉय सोमर का ऑल्टीट लगा हुआ 25 किलोवाट सिंगल फेज का है, और 3 फेज कर देंगे तो ये 30 KVA का बन जाएगा दोस्तों। ये अल्टीट दोनों तरीके से काम करता है। ये इसका डीजल इनलेट है, जो बाहर से आप इसमें डीजल भी डाल सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों। पूरी कैनोपी भी हम लोगों ने रिकंडीशन करिए शोरूम कंडीशन में। सारे हिंजेस हो गए वो नए लगे हैं, सारे नटबोल्ट नए लगे हैं, पूरी डोर गैस्केट फॉर्म सब हमने 100% नया लगाया दोस्तों। ये इसका साइलेंसर है, जो कि पूरी तरीके से सफाई करके हम लोगों ने लगाया, जेनुअन साइलेंसर लगा हुआ है। देखिए, देख सकते हो दोस्तों, दूसरी तरफ से भी दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो क्वालिटी के अंदर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं मिलेगा, एक नंबर का हम लोगों ने काम किया है। अभी मैं आपको लोड डाल के भी दिखाऊंगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। ये मल्टीपर्पज़ अल्टरनेटर 3 फेज में भी चलेगा और सिंगल फेज में भी चलेगा। इसमें ऑटो लैग का हम लोगों ने नया स्टॉपर लगाया, ये इसका रिले है स्टॉपर का, जिससे स्टॉपर का भी ख़राब ना हो। सेल्फ और रिले स्टॉपर में दोनों में हम लोग रिले लगाते हैं। ये देख सकते हैं 4 सिलेंडर का इंजन है, ये बहुत शानदार इंजन है। ये हाइड्रोलिक के डीजल के पाइप लगाए हैं। फ्यूल टैंक इसमें आगे होता है रेडिएटर के आगे। ये वायरिंग का फ्यूज़ भी है इसके अंदर, जैसा हम हर जनरेटर में लगाते हैं दोस्तों। ये 4 सिलेंडर का इंजन है, बहुत शानदार इंजन है। अभी मैं आपको इस पर 100% लोड डाल के भी दिखाने वाला हूँ। क्वालिटी के अंदर दोस्तों कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं लगी। देखिए, रेडिएटर के आगे भी हम फॉर्म वगैरह लगाते हैं, ताकि हवा लीकेज ना हो, पूरी हवा गर्म बाहर निकले, कैनोपे के अंदर ना रुके, जिससे हीटिंग की शिकायत ना आए बिल्कुल भी। एक नंबर का जेनसेट ये रेडी हो चुका है दोस्तों। ये UP में जा रहा है दोस्तों, मुरादाबाद। तो क्वालिटी आपको एक नंबर मिलेगी। सारे नट बोल्ट देख सकते हैं, अल्टरनेटर में भी हम लोगों ने नए लगाए हैं। हर तरीके से जेन सेट बिल्कुल शोरूम कंडीशन में नई की तरह तैयार हो चुका है दोस्तों। और मैं लोड डाल के दिखाता हूँ दोस्तों आपको। ये देख सकते हैं, 51 फ्रिक्वेंसी सेट करी है हम लोगों ने, 235 वोल्टेज है। मैं 100% लोड डाल के दिखाने वाला हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए दोस्तों मैं यहीं पर लोड डाल के दिखा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए आपको मैं 100% लोड डाल के अपने पैरल पर दिखाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं आप, 31, 35, 37 एम्पियर लोड आ चुका है, 40 एम्पियर, 47 एम्पियर, 50 एम्पियर। तो लोड लेने में इंजन बहुत ही शानदार है। पूरा 100 एम्पियर लोड पे भी आप इस इंजन को चलाएंगे तो आपको शिकायत भी मिलेगी दोस्तों। ये देख सकते हैं, 85, 86 एम्पियर लोड आ चुका है इसके अंदर, यानी लगभग 100% लोड इस जेन सेट का आ चुका है। 100 एम्पियर की कैपेसिटी है इसकी, और 100% लोड पर स्टेम जनरेटर चल रहा है दोस्तों। देख सकते हैं 94 एम्पियर लोड पर स्टेम जनरेटर चल रहा है, और किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी आपको। फ्रिक्वेंसी भी दिखाता हूँ आपको, कितनी फ्रिक्वेंसी आ रही है। ये देख सकते हैं 49 फ्रिक्वेंसी पर इंजन चल रहा है, और 235 वोल्टेज है। इसको कहते हैं क्वालिटी। एक नंबर का हम लोगों ने इसमें काम किया। जनरेटर को कहीं भी लगा देंगे, आपको किसी टाइप की शिकायत नहीं मिलेगी दोस्तों। और लोग लोड डाल के दिखाते हैं लेकिन फ्रिक्वेंसी नहीं दिखाते, लेकिन हम हर वीडियो में फ्रिक्वेंसी दिखाते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। धन्यवाद।